ऐसा है, इस नाले के बारे में कलेक्टर साहब को भी 4-5 बार अवगत करा दिया और ये कम से कम 2 महीने में तीसरी घटना है। ये जार टूटे हुए हैं, बार बार प्रशासन को कह दिया, सेक्रेटरी साहब को मौका दिखा दिया, नगर निगम प्रशासन जो है उसकी ये स्थिति है कि कर्मचारियों के पास ना तो रस्से हैं ना ऐसे कोई उपकरण है। कर्मचारी अंदर उतर के जो गाय निकाल रहे हैं उनकी सुरक्षा का कोई संसाधन नहीं है, इससे कभी जनहानि भी हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूं कि नगर प्रशासन जो है वो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराएं, ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध कराएं जिससे क्या है कि कर्मचारी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल के सुरक्षा से अपना काम कर सकें। राजेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, सफाई कमेटी, नगर निगम बीकानेर। नालों पर जिस तरीके से ये जो निर्माण किए जा रहे हैं, अभी जिला कलेक्टर यहाँ नाले पर पार्क भी बनाना चाह रहे हैं, तो क्या नालों पर पार्क बनाना उचित नहीं है? अभी क्या है कि पीछे काम हुआ है तो हमने ठेकेदार से जी पूछा था, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ गांधी जी की प्रतिमा लगा रहे हैं, तो गांधी जी की प्रतिमा लगाने के लिए मैं मानता हूँ कि जगह की बीकानेर शहर में कोई कमी नहीं है, नालों के ऊपर नहीं बना करके कोई उचित स्थान पर निर्माण कराया जाए।